हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वादिकाज मॉम किचन। फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक नई रेसिपी लेके आ गई हूँ। तो फ्रेंड्स, सर्दियों का मौसम चल रहा है और मार्केट में आ गए हैं हरे हरे मटर। तो फ्रेंड्स, ये हरे मटर का निमोना हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। फ्रेंड्स रुकिए, लेकिन आप जो है वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। ये जो निमोना है ना, ये बिना लहसुन और प्याज का बनेगा, वो भी बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। फ्रेंड, इसमें हम किसी भी प्रकार के मार्केट का जो मसाला होता है उसका यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं इसको आपको बनाना बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो बगल में बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर ले, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। क्योंकि मैं अपने चैनल पे ऐसे ही बहुत ही आसान आसान वीडियो जो है वो लेके आती रहती हूँ। और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर ले, और इसको अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम ये जैनीय निमोना, यानी कि बिना लहसुन प्याज का ये टेस्टी सा निमोना जो है, इसको बनाना हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप मटर, आधा इंच अदरक का और 4-5 हरी मिर्च। हरी मिर्च अपने स्वादानुसार को ले सकते हैं, जैसे आपको ज़रूरत हो। तो फ्रेंड्स, इसको क्या करना है कि पहले इसको हमको साइड कर लेंगे, और एक लेंगे हम ग्राइंडर जार, और उसमें हम जो है ना पहले कुछ खड़े मसालों का यूज़ करना है। तो आधा चम्मच यहाँ पर मैं जीरा, साबुत जीरा डाल रही हूँ, 4-5 जो है वो यहाँ पर काली मिर्च, और एक बड़ी इलायची डाल रही हूँ, जो काली वाली बड़ी इलायची होती है ना, उसको ऐसे मैंने क्रश करके कूट के डाल दिया है। और अब उसमें हम डालेंगे ये हरी मिर्च, अदरक और ये जो मटर है। फ्रेंड, इसको हमको ग्राइंड करना है, दरदरा पीसना है, बिल्कुल पानी का यूज़ नहीं करना है। इसको रोक रोक के अच्छे से दरदरा जो है हमको उसको पीस लेना है। तो ये देखिए, हमारा जो पेस्ट है ये बिल्कुल रेडी है। तो बिल्कुल ऐसे ही आपको भी ग्राइंड कर लेना है। तो चलिए अब गैस की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स, गैस पर रखा है मैंने एक कढ़ाई, और इसमें डालेंगे हम ऑयल। तो यहाँ पे मैं रिफाइंड ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। आप जो भी ऑयल खाते हैं आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तेल अच्छे से जब गर्म हो जाए तो हम इसमें डालेंगे मेथी के दाने, आधा चम्मच मेथी के दाने डालना है। आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं अगर आप मेथी के दाने नहीं खाते हैं तो। अब इसमें हम डालेंगे गोभी, तो गोभी को अच्छे से हमको फ्राई करना है। इसके बाद जो है वो आलू। तो फ्रेंड्स, इसको हमको ना डीप फ्राई नहीं करना है, आप चाहे तो अलग अलग फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इन दोनों को एक साथ ही भूनूंगी, वो भी इतने कम तेल में। बिल्कुल ज़्यादा तेल का यूज़ हमको नहीं करना है। अगर आप तेल ज़्यादा खाते हो तो आप डाल सकते हो। हमको ऐसे ही इसको भून लेना है। तो इस पर हल्का सा गोल्डन स्पॉट आ जाए, केवल उतना ही हमको भूनना है। तो ये देखिए, इस पर गोल्डन सा स्पॉट आ गया है। तो जब इसमें गोल्डन स्पॉट आ जाए ना, तो इसमें हम आधा कप मटर डालेंगे, साबुत मटर। इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स, तो आप इसको बिल्कुल स्किप ना करें। आप मटर को ऐसे ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जब मटर के दाने आते हैं ना खाने के समय, तो बहुत ही अच्छा स्वाद देते हैं। तो इसको अच्छे से जो है हमको ऐसे मिक्स करते हुए भून लेना है। ये देखिए, मटर भी जो है वो अच्छे से भून चुके हैं, गोभी और आलू वो भी भून चुके हैं। तो जब ये अच्छे से भून जाए, देखिए, तो हमने जो पेस्ट रेडी किया था ना मटर और मसाले के, तो इसको हम थोड़ा साइड कर लेंगे, और इसी में जो है वो हम इसको डाल देंगे। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो है वो आलू और गोभी को अलग अलग फ्राई करके निकाल लेते हैं, और फिर मसालों को इनको जो है वो भूनते हैं और फिर उसको बाद में डालते हैं। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे बनाती हूँ, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है और कुछ भी कच्चा नहीं रहता। तो इसको अच्छे से जो साइड करके थोड़ा सा भून लेंगे, और इसके बाद ना जब ये हल्का सा भून जाए तो अब इसमें हम सारी जो सब्जियां हैं उसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे, सारी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे, और फिर इसको 3-4 मिनट के लिए और हम इसको भून लेंगे। इसमें जो है ना हमारी सब्जियां जो हैं वो पक जाती हैं, और इसके साथ ही हम एक बारीक कटा हुआ टमाटर इसमें डाल देंगे, ताकि वो भी जो है इसमें मिक्स होकर अच्छे से गल जाए, खूब अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए, सारे जो है वो अच्छे से ये भून चुके हैं। इसको भूनने में 4-5 मिनट लगते हैं, और ये बहुत ही अच्छे से जो है वो भून जाते हैं। तो ये देखिए, देख रहे हैं ना कितना प्यारा, कोई भी सब्ज़ी अभी टूटा नहीं है, क्योंकि हमने नमक का यूज़ नहीं किया। मैं नमक बाद में डालूंगी, अगर नमक आप पहले ही डाल देंगे तो गोभी जो है वो टूटने लगते हैं, इसलिए मैं नमक बाद में डालूंगी। तो ये देखिए, अब वही सेम जार में जिसमें हमने इसको ग्राइंड किया था ना, उसमें मैं पानी ज़रूरत के हिसाब से डाल दूंगी, वो भी साफ़ हो जाएगा, और जो है ये हमारा निमोना भी बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 कप पानी का यूज़ कर रही हूँ उस जार से। आप पानी जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से डालें। पान निमोना में बहुत सारे जो लोग हैं ना उसको गाढ़ा पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग पतला यूज़ करते हैं। तो आपको जैसे आपकी पसंद हो आप उसको थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, और ये देखिए मैंने इतना ही पतला इसको रखा है। तो अब क्या करेंगे, इसको हमको कवर करके
और 4 से 5 मिनट के लिए हमको इसको मीडियम फ्लेम पे कुक कर लेना है, ताकि जो हमने पानी डाला है ना वो कच्चा ना रहे, वो बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए और जो हमारी सब्जियां हैं वो भी अच्छे से पक जाए। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने इसको 5 मिनट पकाए हैं और ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये जो पानी जो है ना देखिए पक चुका है। तो अब इस समय हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो नमक हमको स्वादानुसार डालना है फ्रेंड्स। आप जो है ना इसको पहले मिक्स कर लें, ताकि देखिए सब्जियाँ तो कहीं जली तो नहीं है, तो ये देखिए इतना गाढ़ा है। अब इसमें हम जो इसको मिक्स करने के बाद ना स्वादानुसार इसमें नमक डाल देंगे फ्रेंड्स। नमक जो है आप यहाँ पे किसी भी नमक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग हैं वो सेंधा नमक का यूज़ करते हैं, प्लेन नमक का यूज़ करते हैं। और इसमें खूब सारी जो है वो धनिया की पत्ती डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस निमोने में। तो फ्रेंड्स देखा ना आपने, हम इसमें किसी प्रकार के मसाले का यूज़ हमने नहीं किया है, ना ही इसमें लहसुन और प्याज का यूज़ किया है, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो फ्रेंड्स इसको हम डाल के और फिर से 2 और 3 मिनट के लिए ऐसे इसको खोल के हमको पका लेना है। तो ये देखिए इसको पकाने में मुश्किल से मुझे 2 से 3 मिनट लगे हैं और ये बहुत ही अच्छे से जो हमने नमक डाला था वो भी पक चुका है। तो फ्रेंड्स ये सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरी सर्विंग प्लेट है वो रेडी है, तो मैं इसको चावल के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसको रोटी के साथ खाएं, जैसे भी आपको पसंद हो आप दोनों के साथ जो है ये खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। लहसुन और प्याज तो आप अक्सर डालते हैं, लेकिन एक बार आप ऐसे बिना लहसुन प्याज का बनाएं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और फ्रेंड्स ये देखिए देखने में कितना टेम्प्टिंग लग रहा है, कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि इसमें हमने लहसुन का यूज़ नहीं किया है या प्याज का यूज़ नहीं किया है। तो फ्रेंड्स ये आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लें, क्योंकि मैं ऐसे ही बहुत ही आसान रेसिपी लेके आती रहती हूँ। ओके थैंक यू।